जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे गेम पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, लेटेस्ट अपडेट की बात होगी। साथ में अभी बताऊंगा बहुत से लोगों के सवाल जवाब आ रहे थे कमेंट में इसके ऊपर वीडियो लेकर आने के लिए, तो सबसे पहले उनके लिए बता दूं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं इस स्टॉक में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो, और खासकर वैसे लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में अपना पैसा लगाए हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो वैसे भी उनकी चांदी है। शॉर्ट टर्म में भी जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको समझना होगा ये कंपनी जो काम करती है वो सिर्फ आईटी प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाती है, ये कंपनी सिर्फ आईटी रिलेटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं मुहैया नहीं कराती, बल्कि यहाँ देखेंगे नाम में पावर लगा है, पावरफुल तो ये कंपनी है ही, लेकिन सिर्फ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कंपनी विश्वसनीय बिजली उत्पादन पर भी ध्यान देती है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कंपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में भी कामकाज करते हुए नजर आएगी, यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी एक प्रकार से मल्टीपल बिजनेसों में कामकाज करते हुए नजर आ रही है। तो जब मैं बार बार कहता हूँ कि मल्टीपल बिजनेसों में जब कोई कंपनी लगी हुई होती है तो उसमें नुकसान या डरने घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि एक धंधा नहीं भी चले दूसरी धंधा से उसकी कमाई होती रहती है। अब यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, आपको स्पष्ट दिखने को मिलेगा कि अभी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में है। तो जब कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है यानी कि दो रेंज में इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा होता है, तो क्या हमें घबराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस या तो सपोर्ट के पास आएगा या रेजिस्टेंस के पास जाएगा। तो हो ये रहा है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जा रहा है कि अब तेजी आ रही है, और जब प्राइस सपोर्ट के पास आ रहा है तो डीमोटिवेट हो जा रही है, गिरावट आ रही है। भाई ऐसा आपको समझना होगा कि जब तक रेंज बाउंड में तब तक कोई बहुत बड़ी छलांग स्टॉक नहीं लगाएगा। हाँ, लेकिन इतना तय है कि जिस दिन इससे बाहर निकला उस दिन छलांग ही लगाएगा, शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। अभी आप इस शेयर को दायरे से बाहर निकलने दीजिए, बाहर निकलने के बाद निश्चित ही आपके पोर्टफोलियो में यदि ये स्टॉक रेड में चल रहा है तो ग्रीन में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक्सेल का चार्ट ओपन किया हुआ हूँ, आप एक बात समझिए कि अभी क्या है कि कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर भी आने वाले हैं, मैं आगे दिखाऊंगा इसका अपडेट बीएससी की वेबसाइट पे। तो क्वार्टर वन का नंबर तो काफी बढ़िया आया था, उम्मीद है कि क्वार्टर टू के नंबर भी अच्छे आएंगे, और जब जब कंपनियों के नंबर अच्छे आते हैं तभी स्टॉक रेंज में जो दायरे में फंसा हुआ होता है उससे बाहर निकलता है। और यदि क्वार्टर टू के नंबर नहीं भी आते फिर भी स्टॉक इससे बाहर निकलता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक बहुत दिनों तक एक दायरे में एक रेंज में नहीं रहता है, उससे ऊपर निकलता है। और रेम पावर इंडिया लिमिटेड तो काफी पावरफुल स्टॉक है, इसको तो बाहर निकलना बनता ही है, तो ये इससे बाहर निकलेगा। अब मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर टॉप पे बाई कर लिए होंगे और वो फंसे होंगे, तो वो क्या करेंगे जब स्टॉक इस रेंज से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि एवरेज प्राइस जो है उसको नीचे लाया जा सके, और एवरेजिंग प्राइस जितना ही कम होगा उतना ही बेनिफिट होगा। कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए नया बाई करना चाहते हैं तो जब उस रेंज से बाहर निकलेगा यहाँ 2 रुपये 50 पैसे के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब समझिए यहाँ पे आपने देखा, मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि कंपनी की जो क्वार्टर्स के नंबर आ रहे हैं इन दिनों सेल्स, यदि पिछले मार्च क्वार्टर को छोड़ दे क्योंकि अपवाद होता है, मार्च का क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर नंबर होता है तो उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा या कम हो जाते हैं, तो इसको छोड़े एवरेज जो रिजल्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी के शेयर प्राइस उसकी बात करें तो उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा हुआ था सेल्स। और सिर्फ सेल्स की बात नहीं करें, यहाँ पे जब आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी आपको ओवरऑल ठीक ठाक, मतलब ओवरऑल ये इसकी तुलना में बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक हुआ था मार्च क्वार्टर को छोड़ देता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा है कंपनी के सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट लगातार जब इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज होने का ये मतलब हुआ कि इससे जो पैसा आ रहा है कंपनी इससे अपने बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाएगी, और जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तो जाहिर सी बात है कि शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट जब आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी के पास कोई कर्जा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी को जो पैसे मिल रहे हैं उससे कंपनी को अपने डेब्ट चुकाने की चिंता है, ऐसा भी नहीं है। और प्लस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो ऑलरेडी है 183 करोड़ के आसपास, तो हमें इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब चलते हैं बीएस इंडिया वेबसाइट पर, आपको इस कंपनी की लेटेस्ट अपडेट की और जो भी बात है आपको वहां पर मैं दिखाता हूँ। तो देखिए अभी हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पे, यहाँ पे मैंने एम्पावर इंडिया लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। देखेंगे स्टॉक कोई भी रेड फ्लैग में नहीं है, जीएसएम और जीएसएम जैसी कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं है, तो हमें यहाँ पे भी जो निगेटिविटी होती है उससे भी हम यहाँ पे बच गए, यदि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल इसमें घबराने वाली बात नहीं है। नीचे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आप देखेंगे कुछ लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे यहाँ पे शेयर होल्डर मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई थी पोस्टल बैलेट के लिए, क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि एनुअल जनरल मीटिंग हुई है कंपनी की, तो उस मीटिंग के लिए सॉरी हो गई है ये, तो उसमें स्क्रूटनाइजर किया जाना था कुछ लोगों, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट के जरिए शेयर होल्डर से अपना राय देने को कहा गया था। दूसरा बात, यहाँ पे क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो देखिए, ट्रेडिंग विंडो जब भी क्लोज होता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कंपनी के क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, और अभी कौन से नंबर आने वाले हैं, अभी दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए इसमें ट्रेडिंग विंडो जो है क्लोज कर दी गई है 30 सितंबर के दिन, और अब इस कंपनी के जल्दी क्वार्टर टू के नंबर आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया क्वार्टर टू के नंबर अच्छे आ रहे की उम्मीद है, तो जब नंबर अच्छे आएंगे तो शेयर के प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं एम पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी की, तो एम पावर इंडिया लिमिटेड
लॉन्ग टर्म के लिए भी बेनिफिशियल है, और यदि आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत कम समय के लिए इसमें पैसा लगाए तब भी बेनिफिशियल होगा, बस रेंज से इस स्टॉक को बाहर निकलने दीजिए। तो बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। मन में कोई सवाल होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।